के लिए पैसा दीजिए ना, मुझे इलाज कराने के लिए पैसा दीजिए ना, मैं इलाज कराएंगे, मुझे अभी बहुत सीरियस में। तो साफ है, और साहब ये खाना भी नहीं खाती है ना, नहीं खाती है खाना, सिर्फ और सिर्फ दूध ग्रहण कर। तो पेट में सांप है, चलता है, सुबह सुबह करता है, दुखाता भी है, अभी दर्द करता है बहुत जोर, चलता है, दुखाता है, दर्द करता है, सुबह सुबह करता है। अच्छा, जब आप दूध पीते हैं तो शांत हो जाता है सब, दोनों सांप? हर रोज तड़प रही है, सुबह सुबह उठकर चली जाती है मंदिर में जल धारने के लिए, और रात को बचान रहती है, दूध पीती है खाली खाना के नाम पर। अगरबत्ती किनवा लेते हैं, मकुरदाना किनवा लेते हैं, मिश्री किनवा लेते हैं, तब जाके पूजा शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती है। ये कहीं ना कहीं ये अद्भुत है, और इसको चमत्कार कह सकते हैं कि 8 साल की बच्ची को क्या समझ में आता है कि भगवान शिव शंभू के दरबार में जाती है। तो साफ है, और साहब ये खाना भी नहीं खाती है ना, नहीं खाती है खाना, सिर्फ और सिर्फ दूध ग्रहण करती है। इसके पेट में सांप है, हमको नहीं पता है कि सांप है कि क्या है, लेकिन आप इसके अंदर की रहस्यमय कहानी आप नहीं जानते हैं कि इसके अंदर है तो है क्या, इसके अंदर ये 8 साल की मासूम बच्ची को क्या समझ में आता है कि शंकर जी के पास रोज सुबह जल लेकर चली जाती है पूजा पाठ करने। ये जो भी माता बहन है उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ दूध पीती है 4 महीना से, और वो भी लगातार 4 महीना से। साहब, और एक और मैं आप लोगों की बात बता दूं कि ये 4 महीना से मासूम बच्ची जो है वो सोई नहीं है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 सांप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्ची कह रही है कि इसके अंदर 2 सांप है, और सांप जब भी इसके पेट में चलते हैं बेचैनी से हो जाता है, और ये सो नहीं पाती है, और रोज सुबह उठ करके शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती है। ये कहीं ना कहीं ये अद्भुत है, और इसको चमत्कार कह सकते हैं कि 8 साल की बच्ची को क्या समझ में आता है कि भगवान शिव शंभू के दरबार में जाती है और माथा टेकती है, और ये पैद कहती है, लेकिन ये लोग कोई समझ नहीं रहा है, खाली गोल गोल घुमा रहा है कि इसको मेडिकल की प्रॉब्लम है, फलाना है, चिलाना है, इसके अंदर की तकलीफ कोई नहीं समझ रहा है। आखिर ये वजह क्या है कि 8 साल की बच्ची शंकर जी के दरबार में रोज सुबह चले जाती है नहा धोवा करके, सबसे बड़ी सवाल है, और सभी लोग आ रहे हैं खाली मुखौटा बन करके मदद करने के लिए, कोई नहीं आ रहा है कि आखिर सांप इसके अंदर आए तो क्यों है, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं से ना कहीं साक्षात शंकर जी का प्रकोप तो नहीं है इस बच्ची के ऊपर कि ये बेचैन रहती है और रोज सुबह उठ करके जाके जल ढारती है। यहाँ पे इनके पिता है, देखिए कि बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, जानते हैं काहे के लिए? अपने लिए नहीं रो रहे हैं, ये अपने बच्चिया के लिए रो रहे हैं कि बच्चिया हमारी हर रोज तड़प रही है, सुबह सुबह उठकर चली जाती है मंदिर में जल धारने के लिए, और रात को बेचैन रहती है, दूध पीती है खाली खाना के नाम पर, भागती है, रोने लगती है खाना के नाम पर। यह बहुत बड़ा सवाल है, ये क्यों नहीं कोई सोचने पर मजबूर कर रहा है, ये सोच रहा है कि आखिर ये बच्ची सिर्फ दूध क्यों पी रही है और क्यों मंदिर में जाती है, बहुत बड़ा। 10 साल उम्र हुआ? 8 साल। 8 साल पूजा करने जाती है मंदिर में? हाँ जाती है, रोज सुबह सुबह मंदिर में चली जाती है। हाँ। क्या मांगते हैं भगवान से? मुझे ठीक करने कहते हैं। आपको समझ में आता है मंदिर में जाने से आपकी जो आस्था है, जो आपकी मनोकामना है पूरा हो जाएगा? कि बच्ची की तो अपना खुद से शरीर संभालना मुश्किल है, और वो लड़की जो है, ये बच्ची जो देख रहे हैं बैठी हुई कुर्सी पर, ये सुबह सुबह रोज जल चढ़ाने चले जाती है शंकर जी के पास, और ये कह रही है कि मेरे अंदर 2 सांप है, समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इनकी माता, इनसे भी जाना है आपका? सुनैना देवी। अच्छा, जो आपकी बेटी है, सुनने में आया कि आपके गांव के जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठती है और जल और प्रसाद लेकर के शंकर जी के मंदिर में चली जाती है। जाती तो है, जाती है, अभी भी नहाने के लिए रो रहा है, नहाने के लिए रो रही है मंदिर में जाने के लिए, लेकिन लोग घेर लिया है इसलिए नहीं जा पाई है, नहीं जा रही है। अच्छा, एक बात भैया, कब से सिलसिला चल रहा है ये मंदिर में जाना, रोज रोज पूजा करना? 2-3 महीना से। 2-3 महीने से? और 4 महीने से इसका प्रॉब्लम? खाना भी छोड़ दिया, दूध खाली पीते, खाली दूध पीते, खाली दूध, हाँ खाली दूध, खाली दूध पीते, दूध दिन रात दूध। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जब भी ये दूध पीती है तो शांत हो जाती है ना, तो बेचैन होती है, और इसके पेट में जो वो 2 सांप हैं, तो जो बताएगी अपने जी, हमको पेट में सांप है बेटा? हाँ, दो। अच्छा, कैसे होता है, कैसा आपको लगता है? पेट में चलता है, दुखाता है, दर्द करता है। अच्छा, दर्द करता है, सुबर सुबर करता है। अच्छा, जब आप दूध पीती है तो शांत हो जाता है सब, दोनों सांप? अभी हमारे साथ ये बच्ची के पिता है, हाथ में अल्ट्रासाउंड है, चेकअप करने वाला जितना दस्तावेज है इतना मोटा पड़ा हुआ है लेकर के बिलख, और रिक्शा चालक हैं, और ये जानते हैं सर, बेटिया को लेकर के बहुत परेशान हैं,
कह रहे हैं कि बेटियां हमारा रात को सोती नहीं है, सुबह उठती है जल ढारने चली जाती है। ये सवाल बहुत है, इनके पास पैसा भी नहीं है। पैसा रहता तो जाके पटना में दिखाते, चाहे दिल्ली एम्स वगैरह में दिखाते। क्या सर पैसा ऐसा बार बार लगे? नहीं पैसा ऐसा नहीं है सर, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बच्ची को मरने देता। मंत्री वगैरह सब मेरे पास आते, सब देखते हैं। आखिरी इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया तो मेरी बेटी को कोई देखने वाला नहीं है। इन्हें तक आपका बात नहीं समझेगा, वो ये नहीं समझेगा कि 1 करोड़ 2 करोड़। वो खाली कहेगा, लिखवाएगा बड़का बड़का वोटर वहाँ पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन ना ना, ये सब हवा है, सब हवा, खाली गोल गोल बात बोली लो। हाँ बोलिए, और आगे। और आगे मैं सर यही विनती करता हूँ सर, यही विनती करता हूँ, मेरी बेटी को कैसे करके ठीक करवा दीजिए सर। और क्या मैं विनती करूँगा? नेता लो नहीं ठीक कराएगा आपके बच्ची को। आपको बच्ची का ठीक कराने का अगर कोई है तो उसमें दर्शकों में दम है। यही दर्शक आपको ही मदद करेंगे, यही दर्शक आपको हेल्प करेंगे, यही दर्शक से आप लोग बोलिए, आप बोलिए कि हमको हमारी मदद चाहिए, हमारी बेटी को बोलिए। मेरी सर मदद कीजिए सर, मैं क्या करूँ, मैं सर मौत मजबूर हूँ मैं सर, मैं क्या करूँ मैं सर। बिल्कुल, ये देखिए कि पिता अपने बेटी के लिए हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हैं। आप लोग कहिए कि कहीं ना कहीं हमारी जो बेटी है रात को सो नहीं पाती है, 4 महीने से लगातार ये सिर्फ दूध पर जीवित है और इसका जो हालत है नाजुक बना हुआ है साहब। और देखिए कि ये हाथ गोर सब फूल गया है, देह भी जो है वो काला पड़ गया है। डॉक्टर कन ले गया सर, तो कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड अति से करा दिए आ तेकरा बाद में कर सरकारी में भर्ती किया तो कहे कि हमको से ठीक नहीं हो गया, घर लेके जाइए से कहे। अच्छा, उनमें पता कह जाता है कि उनमें सांप बाटे, सांप बकाओ में मेमिन देखा हुआ है तो कहे कि हमको से ठीक नहीं होएगा। अच्छा, जो नर्स है वो देखी तो बोले हमसे ठीक नहीं होगा। कलखिन की पेम्स इम से ले जाइए एम्स, तो हम एम्स में, एम्स में हाँ, तो हम नहीं ले गया है। अच्छा, साइन करिए बोले 10 गोटा से, तो हमको साइन नहीं कोई करा ऑपरेशन करने के लिए। हाँ 10 गोटा से कहा है। 10 गोटा का लगेगा? 10 गोटा से कहला कि साइन कर। अच्छा, 10 डॉक्टर से बोला कि आप लोग साइन कीजिए, ये लड़की का ऑपरेशन होगा तो इसमें से सांप जो है निकलेगा। हाँ। अच्छा, उसमें सांप ही है? हाँ सांपे है, सांपे है। हाँ। अच्छा, वो दूध पीती है तो सिर्फ दूध और खाना में दूध ही पीती है? खाली खाना में खाता है, दूध पीता है, आहे मकुरदाना खाता है बस। मकुरदाना? हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं खाता? ना। अच्छा, जब भी भूख लगता है वो दूध ही मांगता है? ना, तो दर से छटपटा ही रहता है बोल। अच्छा अच्छा, ये कैसे हो सकता है, ये मतलब कब से ये बीमारी है? ये सावन से है। सावन से? हाँ, थोड़ा थोड़ा पेट बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। बढ़ गया है? हाँ। और उसमें सांप मतलब बच्ची बोल रही है कि हम इसके अंदर चलता है? नहीं, कहता है कि पेट में नोचता है, दूध पी लेता है ना तो शांति हो जाता है, ना तो पेट में उड़ता है। दूध पी लेती है तो शांत हो जाता है? हाँ। माने जो अंदर वो जो कीड़ा है वो सांप, मतलब सांप जो है वो दूध पीता है तो शांत हो जाता है? हाँ, ना तो भर अति पेट उड़ता है, घूमता रहता है। हाँ। दर्द होता है? दर्द खूब बेचैनी होता है। हाँ चाची। हाँ सही बात है। अच्छा, उस माने खाली दूध ही पीती? खाली दूध है, वो बच्ची पीते हैं। अच्छा, खाना उना खा के नाम लेते हैं तो काने लगते हैं। अच्छा। हाँ। खाना खाने के नाम पर क्या कहती है? काने लगते हैं। नहीं खाती? नहीं खाएंगे, खाली दूध पीती। हाँ, खाली दूध ही पीती, दूध और मकुरदाना बस, और कुछ नहीं। दूध और मकुरदाना? हाँ, ये दूगो पीबे करता है। काले जब भी भूख लगता है तो आप लोग दूध? हाँ, वो दूध पीता है तो पूजा करके आते हैं तब दूध पीता है, न तो नहीं पीता। लड़कियाँ पूजा करती? हाँ, अति मंदिर पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं शंकर जी का वास तो नहीं है इसमें? शंकर जी का वास है? और हमरा सबके पता ना, भगवान के लीला है, भगवान जो करेगा से भगवाने ना होगा, से हम सब ही पता है। छोटी बच्ची को कैसे पता चलता है कि जाकर के पूजा करती है शंकर जी के मंदिर में? उसके बाद कुछ किनवा लेते हैं, अगरबत्ती किनवा लेते हैं, मकुरदाना किनवा लेते हैं, मिश्री किनवा लेते हैं, तब जाके पूजा करते है सब चीज मतलब। तो अगरबत्ती जो भी होता है पूजा पर 5 रुपया पड़ते है ना, वही से किन के उस चढ़ा। अपने अपने से पैसे से करती है? अपने पैसा से। ये ना होता है कि हम मम्मी दे रहा चाहे पापा दे रहा है पूजा करिए, मांग के बस पूजा कर। और रोज सुबह चली जाती है? हाँ, निहा धोआ के बाद चल जाता है पूजा करने। ये तो मैंने अद्भुत है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं ना कि उसमें शंकर जी का वास है उस लड़की को? हाँ, लेकिन तकलीफ में है? तकलीफ में दर्द होता है ना, तकनी छटपटाए लगता है तो आदमी के घबराहट हो जाता है। घबराहट हो जाता है? हाँ, कि बच्चा है, छोटी सी बच्चा है, क्या करेगा नहीं करेगा। अब डॉक्टरों को ले गया, काले सब तर बहु आया, कोई नहीं भर्ती ले।
कोई भर्ती नहीं? कोई नहीं। पटना में सब जगह दिखा लिए, कहीं नहीं हुआ? पटना में नहीं गया है। अच्छा, पटना में अभी नहीं गया? ना। तो बड़े डॉक्टर से दिखाने का आप लोग का मन बन रहा है? हाँ हाँ चाची। हाँ तो बड़ा डॉक्टर देखाते तो ठीक हो जाते। अच्छा, कि पीएमसी में, पीएमसी से एमसी में ले जाना है, तो हमको नहीं गया है कोई। अच्छा एक बात बताइए, कितने साल की लड़कियाँ है? 8 साल। 8 साल की लड़की को समझ में आता है कि पूजा पाठ करना है? हाँ। और मंदिर में जाकर रोज पूजा पाठ करती है? हाँ रोज पूजा करते है। तो अद्भुत है महाराज, ये तो अद्भुत चमत्कार है। इसको कह सकते हैं कि 8 साल की मासूम बच्ची को ये समझ में आता है, और कहीं ना कहीं ये तो हमको लग रहा है कि शंकर जी का वास है उसके अंदर, तभी ना पूजा करती है। अब भगवान है कि क्या है सब, वो है ना जानेगा। अब हम तो, हम तो की जानेगा यार। अब बिल्कुल कहीं ना देखें, देखिए कि इन लोग का कहना है कि वो जो 8 साल की मासूम बच्ची है जिसके अंदर पेट में बोल रही है कि मेरे पेट के अंदर सांप है, और वो सांप जो चलता है तो खाली वो खाना वाना नहीं मांगती है और सिर्फ दूध पीती है, और दूध पीती ही उसके पेट में आराम हो जाता है। वो जो सांप उसके अंदर होते हैं वो ठंड पड़ जाते हैं, रेंगते नहीं हैं, और जब भी उनको भूख लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीती है। दूध खाली पीती है? हाँ दूध पीते हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं ना। और सुबह उठ करके जल्दी जाती है पूजा पाठ करने? हाँ पूजा करने। शंकर जी का? हाँ। अगर बत्ती अगर सब दिखाती है? हाँ सब कुछ। अच्छा जी। हाँ बात सही है। हाँ सही है बात। तो 8 साल के मासूम बच्ची को कैसे पता चलता है कि वो पूजा पाठ करने लगी? भगवान के लीला है, तो भगवान उसको सहाय होता, अकिल ज्ञान देता, बुद्धि, तब वो करते है पूजा पाठ। पूजा पाठ करती है ना? रात भर सूते है नहीं, आग रात 4 महीना से जागले रहता है, एक कोदा नहीं सूते। 4 महीने से सोई है नहीं? ना ना। बच्ची सोई नहीं है? ना ना सूता है, खाली पूजा पाठ में लगती है और देखते रखती है। आ, देखते रहा है, बेचैनी में रहती है? बेचैन पूरा रहा है। ये तो अद्भुत है महाराज, अद्भुत है ये तो। कहीं ना कहीं इसको चमत्कार ही कहा जा सकता है। 8 साल की मासूम बच्ची जो है उसको क्या समझ में आता है कि वो हर रोज शंकर जी के मंदिर में चली जाती है, पूजा पाठ करती है, और जो भी पैसा उसको खाने के लिए, मिठाई उठाई के लिए दिया जाता है, 5 से 10 रुपये, उस 5 से 10 रुपये का जो भी पूजा अर्चना का जो सामान होता है उस सामान को वो खरीद करके पूजा करती है। ये तो कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। आप मान लीजिए हम लोग ऐसे हैं तो सप्ताह में एक बार पूजा करते, रोज पूजा करते करता है, डेली सूत के उठता है तब जाके पूजा करता है, नहा धोया करके। हाँ और कुछ नहीं करते। देखिए कि माता बहन यहाँ पे जो भी है, चाची है, इनका कहना है कि सुबह सुबह उठती है 8 साल की मासूम बच्ची, और जाकर के अगरबत्ती जो भी उसके प्रसाद का सामान होता है खरीदती है, 5 रुपया ही सही, 5 ही रुपया का खरीदती है, लेकिन वो शंकर जी के यहाँ जाती है और हर सुबह उसको जल अर्पण करती है। वो बच्ची जो है वो जल अर्पण करती है शंकर जी को, बहुत ही इसको अद्भुत ही कहा जा सकता है। और तमाम मीडिया में ये बात फैलाई रही है कि उसके अंदर 2 सांप हैं, और देखिए कि कहीं ना कहीं वो जो सांप है जब उसको काटने लगते हैं, उसमें रेंगते हैं, तो वो लड़की बेचैन हो जाती है, और घर वाले जब दूध दे देते हैं तो वही लड़की एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है, शांत हो जाती है, और कहीं ना कहीं और सिर्फ वो दूध पीती है, और 4 महीने से लगातार वो बच्ची जब सोई ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये भगवान का प्रक्रम कह सकते हैं, भगवान का चमत्कार कह सकते हैं।